वक्त बड़ी खबर बड़वानी से आ रही है, जहां रंजीत क्लब को अधिग्रहण करने प्रशासनिक अमला पहुंचा है। एसडीएम घनश्याम धनगर मौजूद है, राजस्व विभाग मौजूद है, नगर पालिका और पुलिस मौजूद है। काफी गहमागहमी का माहौल है। कल कलेक्टर ने आदेश दिया था रंजीत क्लब को अधिग्रहण करने का, जिसके बाद आज अधिग्रहण करने प्रशासनिक अमला पहुंचा है। सचिन राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सचिन, बड़ी खबर बड़वानी से। जी हम बता दें, ये सुशासन अभियान के तहत जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई कलेक्टर ने की है, जिसमें रंजीत क्लब को अधिग्रहित करने के निर्देश जारी किए थे। उसी के चलते आज बड़वानी एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व अमला, पुलिस प्रशासन सहित नगर पालिका का अमला रंजीत क्लब पहुंचा है, जिसे अधिग्रहित करने की कार्रवाई जारी है। जैद, फिलहाल मौके पे क्या स्थिति है, क्या क्लब के सदस्य भी वहां पर पहुंचे हैं, क्या बातचीत चल रही है? जी जैद हम बता दें, रंजीत क्लब पे गहमागहमी का माहौल है। यहाँ पर रंजीत क्लब की जो कमेटी थी, संचालक मंडल था, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, एसडीएम पहुंचे हैं, और एसडीएम यहाँ पर तीन ताले लगाने की बात कर रहे हैं। जो तीन गेट थे उन्हें सीज किया जाएगा, वह पूरी तरीके से क्लब को अधिग्रहित किया जाएगा। जैद सचिन, चूंकि रंजीत क्लब बड़वानी जिले का बड़ा क्लब माना जाता है और बड़े समय से ये क्लब है, यहाँ पर इतने बड़े फैसले के बाद जब प्रशासनिक अमला पहुंचा है, क्लब के लोग भी मौजूद है, लोगों की भीड़ भी होगी वहाँ पर मौके पे लगी हुई, क्या माहौल बन रहा है वहाँ, क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या स्थिति है फिलहाल? जी जी हम बता दें, रंजीत क्लब में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़े हुए हैं, यहाँ के सदस्य हैं। रंजीत क्लब एक संस्था है जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। कलेक्टर ने पूर्व में इन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया था, मगर क्लब के लोग वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। उसी के चलते आज यहाँ पर रंजीत क्लब पर कार्रवाई की गई है। और हम बता दें कि यहाँ पूरी तरीके से गहमागहमी का माहौल है, काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है, वहीं प्रशासनिक अमला भी भारी मात्रा पर यहाँ पर मौजूद है। जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा सचिन राठौर ने हमें बताया कि फिलहाल मौके पर गहमागहमी का माहौल है, प्रशासनिक अमला मौजूद हैं और क्लब के सदस्य भी मौजूद हैं, वहां लोगों की भीड़ भी काफी लगी हुई है।